आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, ओजोन की निम्नलिखित पर रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हमें 5 यौगिक दिए हुए हैं। ठीक है, इन सभी की हमें ओजोन से एक एक करके रिएक्शन करानी है और फिर बताना है कि अभिक्रिया कराने पे क्या हमें प्राप्त होगा उत्पाद। ठीक है, सभी के हमें रासायनिक समीकरण लिखने हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, K2MnO4 जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, इसकी रिएक्शन O3 से करानी है, यानी कि ओजोन से। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3। तो यहाँ पे जो पोटेशियम मैग्नेट है ये जलीय होगा। ठीक है, तो मतलब कि रिएक्शन किससे किससे होगी, K2MnO4 से, और H2O के भी कुछ अणु होंगे उसमें। ठीक है, और O3। ठीक है, इससे जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, KMnO4। ठीक है, और KOH बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, अब ये रिएक्शन हम बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 2K। ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, तो अभी ये रिएक्शन बैलेंस है और ये जो यौगिक है इसका क्या नाम है, पोटेशियम मैंगनेट, जिससे O3 जब अभिकृत हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, पोटेशियम पर मैंगनेट। ठीक है, तो ये तो है फर्स्ट रिएक्शन जिसमें हमें पोटेशियम पर मैंगनेट मिल रहा है रिएक्शन करने पे। सेकंड हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, I2 यानी कि आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की O3 से रिएक्शन करानी है, तो ये भी जल की उपस्थिति में ही होगी अभिक्रिया। ठीक है, तो जब इसकी I2 की जब O3 से हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ हमें एक अम्ल प्राप्त होगा, कैसा, आयोडीन से मिलकर के जो बना होगा। ठीक है, तो ये अम्ल कौन सा है, HiO3, और साथ ही में ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। ठीक है, ये रिएक्शन अगर बैलेंस करने की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ये, ठीक है, तो ये जो अम्ल हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है किससे प्राप्त हुआ है, आयोडीन की रिएक्शन जब हमने किससे कराई है, O3 यानी कि ओजोन के साथ कराई है, तो क्या मिला है, आयोडिक अम्ल। ठीक है, थर्ड यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यौगिक थर्ड दिया हुआ है Ag2O यानी कि सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, ये सिल्वर का एक ऑक्साइड है, तो इसकी रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। इसकी रिएक्शन जब O3 के साथ होती है यानी कि ओजोन के साथ, तो ये हमें क्या देता है, सिल्वर। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, 2Ag। ठीक है, Ag2O, इसका नाम क्या है, सिल्वर ऑक्साइड, जो कि O3 से अभिकृत होने के बाद हमें क्या दे रहा है, सिल्वर। ठीक है, फोर्थ क्या दिया हुआ हमें यहाँ पे, यौगिक CH2, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एथिलीन दी हुई है यहाँ पे हमें। ठीक है, तो एथिलीन की जब ओजोन से रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, ये बताना है। ठीक है, CH2, डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन किससे होगी, O3 यानी कि ओजोन के साथ। ठीक है, तो जब इससे इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा, क्योंकि तीन ऑक्सीजन है, तो तीनों ही ऑक्सीजन इस तरह से एथिलीन के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है,
ये एक टाइप का ओजोनाइड बन गया है, ठीक है? क्या नाम है इसका? एथिलीन ओजोनाइड। तो एथिलीन की जब हम रिएक्शन कराएंगे ओजोन के साथ, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर? एथिलीन ओजोनाइड, ठीक है? ये है फोर्थ रिएक्शन। ना लास्ट रिएक्शन यानी कि नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है? PbS यानी कि लेड सल्फाइड, ठीक है? तो लेड सल्फाइड की रिएक्शन जब ओजोन से कराएंगे तो हमें बताना है कि हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? PbS प्लस O3, इसकी रिएक्शन जब इससे कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक सल्फेट प्राप्त होगा, ठीक है? PbSO4, और साथ ही में बाहर क्या निकलेगी? ऑक्सीजन गैस। इसका नाम क्या है? लेड सल्फेट, ठीक है? ये तो पांचों ही यौगिकों के रासायनिक समीकरण में लिखे कि ओजोन से रिएक्शन कराने के बाद हमें क्या क्या प्राप्त होगा, ठीक है? थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।